घर को हिलाकर अपनी ताकत का एहसास करा दिया। मतदान हमारे साथ है तो फिर हमें घबराने की क्या आवश्यकता है। जिस रोज मैं मुंबई से बिहार आया 2014 में, तो लोग शायद कुछ लोग जानते थे, और आज पूरे बिहार ने पूरे देश हमें जानने लगा है। और आपका सहयोग और प्यार है, मुझे पता है जिस रोज तक हमारी ईमानदारी होगा उस रोज तक हमारे लिए मंजिल बहुत पास होगा। जिस रोज हमारे मन में लोभ लालच होगा उस रोज ये मेरे लिए मंजिल दूर होगा। और जब तक मैं ईमानदारी से लड़ूंगा तो दुनिया का कोई माई का में ताकत नहीं है कि मुकेश सहनी को कमजोर करके गिरा सकता है। कुछ देर के लिए परेशान कर सकता है, लेकिन आपके सामने उनको झुकना ही पड़ेगा। आप बताइए कि 1.5 साल पहले आपके पास ताकत देखा तो अपना 11 सीट दिया, आपके सामने में झुका, 1 MLC दिया, लेकिन आज क्या जरूरी है कि 1 विधायक के लिए वो आपसे लड़ गया। कहीं ना कहीं उनके मन में रणनीति अलग है, वो कहीं ना कहीं आपका बेटा को चाहता कि हमारा गुलाम बन जाए, हमारे पार्टी में विलय कर ले, और कहीं ना कहीं सोच रहा कि ये मुकेश सहनी इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश जा रहा है, झारखंड जा रहा है, बिहार में अपने लोगों को गोलमाल कर रहा है, अगर इसको अभी नहीं रोकेंगे तो ये आने वाले समय में हम लोगों को पीछे घुमाएगा। तो इसलिए सोचा कि इसको अभी समय है, चुनाव में 2 साल तो 1.5 साल इसको सत्ता से बाहर करते हैं, शायद सत्ता से बाहर करेंगे, परेशान करेंगे, इनके लोगों को तोड़ेंगे, ये टूट जाएगा और एक ना एक दिन 1.5 साल में हमारे चरणों में आ जाएगा, हमारे सामने झुक जाएगा, और जब झुक जाएगा तो खेल खत्म हो जाएगा। और नहीं 1.5 साल में झुका तो फिर हम मुकेश सहनी के सामने में झुक जाएंगे, इनका सोच है कि 1.5 साल के बाद हम झुक जाएंगे तो ये तो निश्चित हो गया। हम मर जाएंगे लेकिन दुनिया का कोई ताकत के सामने हम कभी नहीं झुकेंगे। हम झुकना पड़ेगा तो 2024 से पहले जिसने हमारे साथ गद्दारी किया ऐसे लोगों को हमारे चरणों में, निशा समाज के चरणों में मैं झुका के दिखा दूंगा। हमारे पास होने के लिए क्या है, हम क्या पाए थे, हम क्या खो जाएंगे, हमारे पास क्या है जो हम खो जाएंगे। हम तो जिंदगी भर हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम मछली मारते हैं, घर परिवार चलाते हैं, रोजी रोजगार करते, मेहनत करते, घर परिवार को चलाते, हमें खोने के लिए क्या है। लोग कहते हैं कि यहाँ पर हजारों समस्या है, जहाँ हजारों समस्या है वहीं पे